Assalamu alaikum to class, how are you? Hope you all are fine. Dear SLS students, today we will revise our unit number 2. To class, first we will revise its book activities and after that we will revise its question answer MCQs and true false which are written on your notebook. So the question number 1 is, so to class, open book page number 16 and the question number 1 is मैच द एनिमल्स टू देयर कॉस्ट. अब आपने एनिमल्स को उनकी कॉस्ट से मैच करना है, यानी कि वो किस कॉस्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी स्किन जो है वो किस टाइप की है. अ फिश मछली के क्या होते हैं, फर होती है, स्केल्स होते हैं या फिर फेदर्स होते हैं. तो फिश के क्या होते हैं जी, स्केल्स होते हैं. अ रैबिट किस कॉस्ट से बिलोंग करता है, फर या फिर फेदर्स. ये जो रैबिट की स्किन है वो कैसी है, ठीक है, उसकी पे उस पर फर है या फिर उस पर फेदर्स हैं, तो क्या है, फर. अब पैरट तोता, उसके क्या है, देखें यहाँ पे ये हैं फेदर्स. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर वेरी बिग, बहुत बड़े जानवर कौन से हैं. ELEPHANT एलिफेंट, बहुत बड़ा जानवर कौन सा है, एलिफेंट. देखें जब आप उसको देखते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा जानवर कौन सा है, एलिफेंट. नेक्स्ट क्या है, जिराफ, GIRAFFE जिराफ. वेरी स्मॉल, बहुत छोटे जानवर कौन से हैं, स्पाइडर, SPIDER स्पाइडर. मकड़ी, बच्चों ये आम घरों में भी पाई जाती है, ठीक है, तो देखो वो कितनी छोटी सी होती है. फ्लाई, FLY फ्लाई, मक्खियाँ. द क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द टेबल सेइंग वेदर वेयर दीज एनिमल्स लिव. अब आपने बताना है कि यहाँ पे जो एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं, जगह कौन कौन सी दी गई हैं. वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके. वेरी हॉट प्लेसेस, बहुत ज़्यादा गर्म इलाके. वाटर प्लेसेस, यानी कि जो पानी में रहते हैं. लैंड एंड वाटर प्लेसेस, जो ज़मीन और ये पानी दोनों में रहते हैं. पोलर बियर कहाँ रहता है जी, वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहता है. ये है जी बियर, पोलर बियर कहाँ रहता है, वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे रहता है. कैमल कहाँ रहता है, वेरी हॉट प्लेसेस, बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पे रहता है, जिस तरह से सहरा है, ठीक है, सहरा में कैमल रहता है. तो सहरा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पे हर तरफ रेत ही रेत होती है. नेक्स्ट है जी डॉल्फिन कहाँ रहती है, पानी में. वेरी गुड, डॉल्फिन जो है वो एक फिश है, तो वो कहाँ रहती है, वाटर प्लेसेस, पानी में रहती है. फ्रॉग कहाँ होती है, लैंड एंड वाटर प्लेसेस, वो ज़मीन पर भी होती है और पानी में भी होती है. बच्चों नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू नेम द एनिमल्स. यहाँ पे अब आपको एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन दी गई, यानी कि उनके बारे में बताया क्या है और आप अपने उनके नेम लिखने हैं. अ फिश दैट लुक्स लाइक अ स्टार, वो फिश जो मछली है, वो फिश जो स्टार की तरह नज़र आती है, वो है स्टार फिश. जो फिश स्टार की तरह नज़र आती है उसको क्या बोलते हैं, स्टार फिश. अ फिश दैट लुक्स लाइक जेली, वो फिश जो जेली की तरह नज़र आती है उसको क्या बोलते हैं, जेली फिश. अ फिश दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स, वो फिश जो हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह नज़र आती है उसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स. एन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ फ्लावर, वो जानवर जो एक फ्लावर की तरह नज़र आता है उसको क्या बोलते हैं, सी एनेमोनी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सी एनेमोनी. एन एनिमल दैट हैज 8 आर्म्स, ठीक है, वो जानवर जिसके 8 बाजू होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस. क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस. तो बच्चों ये बुक एक्टिविटीज़ आपने याद करनी है. टू क्लास, अब आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करें, यहाँ पे देखें MCQs हैं, यूनिट नंबर 2 के MCQs आपने लिखे हुए हैं. अ स्नेक ग्लाइड्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स डैश विंग्स टेल बॉडी, यहाँ पे आएगा बॉडी. कैमल इज अ डैश काइंड ऑफ एनिमल स्मॉल बिग ऑफ मैनी कलर्स, तो क्या आएगा यहाँ पे,
कैमल कैसे जानवर है? बड़ा है, बिग। अ सी हॉर्स इज अ फिश विच लुक्स लाइक अ डैश। सी हॉर्स किसकी तरह नजर आता है? टॉर्टोइस, बटरफ्लाई या फिर हॉर्स? किसकी नजर आता है? हॉर्स की तरह। अ स्नेल हैज अ डैश, नेस्ट, शेल, केज। स्नेल का क्या होता है? शेल। टर्टल लेज एग डैश अ डीप होल इन द सैंड, आउटसाइड, इनसाइड, अपसाइड। तो टर्टल कहाँ एग लेज करती हैं जी? इनसाइड, अंदर, ठीक है, सैंड के अंदर जो है ये अपने अंडे देती हैं। द कोस्ट ऑफ पॉर्किपाइन इज डैश। पॉर्किपाइंस के क्या होते हैं? शेल, फेदर्स या फिर क्विल्स? तो क्या होते हैं जी? क्विल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, हाउ ग्रीन कलर हेल्प्स द पैरेट। ठीक है, पैरेट को ग्रीन कलर कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू हाइड इन द ट्री। ग्रीन कलर जो है वो पैरेट को ये दरख्त में छुपने के लिए हेल्प करता है। विच एनिमल हैज शार्प क्विल्स? पॉर्किपाइन हैज शार्प क्विल्स। पॉर्किपाइन के शार्प जो है वो क्विल्स होते हैं। व्हाट डज अ कैटरपिलर ईट? कैटरपिलर क्या खाता है? कैटरपिलर ईट्स लीव। कैटरपिलर जो है वो पत्ते खाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द बिगेस्ट लिविंग बर्ड? सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? एंड द आंसर इज एन ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट लिविंग बर्ड। ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ा परिंदा है। वेयर डज अ क्रोकोडाइल लिव? क्रोकोडाइल मगरमच्छ कहाँ रहता है? अ क्रोकोडाइल लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। क्रोकोडाइल जो है वो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। What is the name of the fish that looks like a horse? उस फिश का नाम बताएं जो हॉर्स की तरह नज़र आती है। A seahorse is a fish that looks like a horse. Seahorse वो फिश है जो कि हॉर्स की तरह नज़र आती है। नेक्स्ट बच्चों क्या है? ट्रू फॉल्स। द एंजल फिश हैज़ ब्राइट पिंक एंड येलो स्ट्रिप्स। एंजल फिश के पिंक और येलो स्ट्रिप्स होते हैं। तो बच्चों आपने रीडिंग में क्या पढ़ा था? ये ब्लू और येलो होते हैं, तो ये आ जाएगा फॉल्स। अ कमेलियन कैन चेंज इट्स कलर। कमेलियन गिरगिट जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है। ट्रू। जेब्रा स्ट्रिप्स हेल्प इट टू हाइड इन द टॉल ग्रास। जेब्रे के जो ये स्ट्रिप्स होते हैं, जो उस पर पैटर्न होता है, धारियाँ होती हैं, वो उसको घास में छुपने में मदद देती हैं। ट्रू। द लेग्स ऑफ आ सील आर लाइक फ्लिपर्स। सील के जो लेग्स होते हैं वो फ्लिपर्स की तरह दिखते हैं। ट्रू। अ डॉल्फिन इज अ फिश विच इज शेप्ड लाइक अ काइट। डॉल्फिन वो फिश है जो कि काइट की तरह नजर आती है, तो ये क्या है? फॉल्स। तो बच्चों आपने इसकी यूनिट नंबर 2 की बुक एक्टिविटीज, ये MCQs, क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स याद करने हैं, और अगर आपको काम मिसिंग है तो उसे भी आपने कंप्लीट करना है। Stay blessed, stay safe, Allah Hafiz.